अरे सिस्टम पार दिया तेरे भाई ने बिग बॉस जीत रहे। सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा सबने। हाँ हाँ सबने मतलब सबने। इधर देख रहे सिस्टम पार दूंगा तेरा सेल्फी ले मेरे साथ। अरे सेल्फी 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 सर। अरे अरे ठीक है अब कितना बड़े फैन हो मेरे। अरे बहुत बड़ा फैन है सर। आप जितने सट्टे वाली ऐप बोलते हो सारी खेलता हूँ मैं। घर बेच दूंगा अपना। इधर नहीं बोलना था सारा। अच्छा ठीक है सेल्फी तो लो सर। इंस्टा लाइव चढ़ा दूं। अरे तुम कितने बड़े फैन हो भाई। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सर। दिल्ली से आपसे मिलने के लिए आया हूँ सर। सब कुछ काम धंधा छोड़ के जब आप शो जीते थे सब कुछ छोड़ दिया था मैंने सर। अतरी फैन फॉलोइंग छे के। अरे सर सिस्टम पाड़ दिया अपने सिस्टम। बिल्कुल पाड़ दिया सिस्टम है। ले आजा भाई चल। मम्मी पापा के वो कंगन जेवरात भी तो बेचने हैं। हाँ, भाई के लिए वो चढ़ना है। मुझे तो घर बेचना भाई। चलो चलो घर बेच देते हैं। हाँ हेलो का मैच खेलना है। कितने पैसे देंगे। अच्छा मुनावर भी है। ठीक है आ रहा हूँ। मुझे आज तक ऐसा लगता था हम लोग रहते हैं हिंदुस्तान में, लेकिन पिछले कुछ टाइम से जब मैं हालात देख रहा हूँ मुझे ऐसा लगता है हम भाई हिंदुस्तान में नहीं, हम रहते हैं छपरिस्तान में। छपरिस्तान में रहने का क्या फायदा है उसको हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जिसके लिए इंट्रो आप दे दो। तो मुझे छपरी तो नहीं बोल रहा ना। साफ सीधे मुंह पे कह रहा हूँ एक नंबर का छपरी आदमी। तो तुम भी छपरी हो। चल बे खैर ये बातें तो होती रहेंगी। मैं तो इसको हमेशा ही छपरी ही बोलता हूँ। खैर नमस्कार मैं हूँ आपका दोस्त गौतम कश्यप और ये हैं आपके आलेख माथुर और हम दोनों मिलके स्वागत करते हैं आप सबके अपने चैनल गपशप विद माथुर एंड कश्यप पे। ठीक है पूरे बोल दिया भाई तूने। मैं सोच रहा था कहीं तो काट के मैं भी कुछ होता पर कोई बात नहीं। ठीक है सो पिछले कुछ टाइम से देश में क्या हो रहा है भाई। एक तो सबको सिस्टम के अंडर रहना पड़ेगा। एक तो ये चल रहा है। ठीक है मैं थोड़ा सा रेफरेंस दे देता हूँ। मैं थोड़ा सा कंटेक्स्ट दे देता हूँ हमारी ऑडियंस को कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, हम ऐसा क्यों हमारा इतना पारा चढ़ा हुआ है। तो उसकी वजह यह है कि एक हुआ फ्रेंडली मैच कह सकता है तू बिटवीन सचिन 11 एंड अक्षय कुमार 11। एक फ्रेंडली मैच खेला गया जहां पे आए थे मुनावर फारूकी जो खेल रहे थे एक टीम से, दूसरी टीम से खेल रहे थे एलविश यादव। अब ये दोनों क्या हैं, मुनावर फारूकी और एलविश यादव में से मुनावर फारूकी इज अ स्टैंड अप कॉमेडियन ऐसा वो कहते हैं, एलविश यादव इज अ कंटेंट क्रिएटर ऐसा वो कहते हैं। और इन दोनों की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, रिलीजियस आइडियोलॉजी है, वो कहीं ना कहीं मिलती नहीं है। अगर मैं इसको और थोड़ा सा अच्छे से समझाऊं तो एलविश यादव का ये कहना है कि वो एक कट्टर हिंदू हैं और जो भी हिंदुओं के खिलाफ जाएगा उनको हम कहीं नहीं छोड़ेंगे, सिस्टम के अंडर गाड़ देंगे उनको। और आई थिंक उनके फॉलोअर्स भी इसी बेसिस पे, ऑफ कोर्स उनका पूरी पॉपुलैरिटी इसी बेसिस पे है। और दूसरी तरफ मुनावर फारूकी जो है वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। अपने एक एक्ट में उन्होंने माँ सीता का, राम और सीता जी का मजाक उड़ाया था और जो कि बहुत ही गलत था, ऐसा बिल्कुल बोल सकता हूं। बिल्कुल कहना ही चाहिए गलत क्या है इसको बोलने में। अगर कोई गलत है चीज तो उसको कॉल आउट करना ही चाहिए। ये शो भी कैसे जीत गया मुझे समझ में नहीं आता। हाँ अब उस पे आते हैं हम आगे। हाँ तो इन्होंने ये मैच खेला जहाँ पे इन दोनों को गले लगते हुए देखा गया। सो उनकी जो एक सर्टेन फॉलोइंग है वो उनसे हो गई खफा, वो हो गई उनसे नाराज कि भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हो उस इंसान के साथ जिसने हमारे भगवानों को एक तरीके से मजाक उड़ाया उनका। अब वो बनता है जो कि बिल्कुल सही है अपनी जगह पे। और ये वही लोग हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था एलविश यादव का बिग बॉस के टाइम पे जब वो बिग बॉस में आते थे, वाइल्ड कार्ड में आए थे। हाँ और वो जीत गया वो बिग बॉस एलविश यादव। तो काफी सपोर्ट किया उसका एलविश यादव का। इस बीच में जो है बहुत ही मतलब एक गुस्सा हो गया लोगों के बीच में खड़ा कि एलविश यादव को तो हम एक्सपोज करेंगे। और एलविश यादव की कुछ ऐसे डार्क सच भी बाहर आए जिसमें से एक है सेक्सुअली असॉल्ट करना अंडर एज लड़कियों को। अच्छा बिल्कुल। ऑल्सो एलविश यादव प्रमोट करते हैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे यूट्यूब पे सट्टेबाजी वाले जो ऐप्स नहीं होते इन सब को एलविश यादव प्रमोट करते हैं। तो इन सब चीजों को एक तरीके से केस पाइलअप हुआ। उनके जो सपोर्टर्स थे उन्होंने ही उनके खिलाफ एक केस सा पाइलअप किया और इंस्टाग्राम पे वो या फिर इंटरनेट पे वो कूद गए और एक ई लफड़ा शुरू हो गया उन सबके बीच में। अब यहाँ पे एक और यूट्यूबर है या इंस्टाग्रामर, आई डोंट नो, मैंने उससे पहले नाम भी नहीं सुना था उसका, मैक्सटर्न। मैक्सटर्न का नाम सुना था? मैंने नहीं सुना था। सो मैक्सटन करके एक बंदा है वो आया, उसने एलविश यादव का मजाक उड़ाया और एलविश यादव ने कहा कि भैया तू तो दिल्ली में ही रहता है तू सोच समझ के बोला कर। उसने बुलाया एलविश यादव को कि आ जाओ फिर बात कर लेते हैं। एलविश यादव ने उससे मिलने गया और सीधे उस पर हाथ छोड़ दिया कि भैया तमाचे तमाचे दह तमाचे बजाए उसके ऊपर।
और ये पूरा कांड उस बंदे ने मैक्सटर ने रिकॉर्ड कर लिया और उसने अपने इंस्टाग्राम पे चढ़ा दिया कि भैया देखो मेरे को तो एलविश यादव ने मारा 7-8 लोगों के साथ मिलके। बढ़िया, गलत है यार, अगर कोर्स गलत है भाई, ऑफ कोर्स आपने किसी पे हाथ उठाया। उस बंदे ने एलविश यादव के खिलाफ FIR करी, पुलिस ने जो ऐसा उसका कहना थी एक्चुअल FIR हुई ऐसा उसका कहना, ऐसा उसने बताया कि उसने FIR करी, पुलिस ने एलविश यादव के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, देयर वाज नथिंग अगेंस्ट एलविश यादव, जितने भी थे वो सारे बेलेबल उन्होंने लगा के उसके खिलाफ केसेस और उसको बेल दे दी। इसके बाद एलविश यादव ने इस पे स्टोरीज डाली, इस पे वीडियोस बनाए, मैक्सटर ने स्टोरीज डाली, वीडियोस बनाए, उन दोनों ने अच्छा खासा ट्रैक्शन लिया इस पे। और इवन इन दोनों ने नहीं किया, बाकी जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने भी ट्वीट किए, ट्वीट करे इस पे, इस पे इंस्टा स्टोरीज डाली, पोस्ट करे, उनके पोस्ट के नीचे कमेंट्स करे, उस पे लाइक्स लिए, तो सबको अच्छा खासा ट्रैक्शन मिला इस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी से। और सेम टाइम पे फिर एक जो बड़ा इंस्टाग्रामर है, मैंने उसका पहली बार नाम सुना है, रजत दलाल करके नाम है उसका, वो इस कंट्रोवर्सी में कूदा। उसने कहा कि मैं अब तुम्हारा सॉर्ट करवा देता हूँ, और उसने आके और सॉर्ट करवा दिया। और जो है इस सब के बाद वापस फोटो डल गई कि भाईचारा ऑन टॉप, पिटाई होने के बाद, FIR होने के बाद, पुलिस लीगल सब कुछ होने के बाद ये फोटो डाल दी गई कि भाईचारा ऑन टॉप। सो अब हम आ जाते हैं हमारे मेन वीडियो पे कि हम ये वीडियो बना क्यों रहे हैं। ये तो पूरा कॉन्टेक्स्ट था अभी तक जो हमने आपको दिया कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो ये है कि मैक्सटर्न करके जो बंदा है जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी एलविश यादव से जिसका झगड़ा था, उसने 1 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स पार कर लिए इस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी में। वो क्या करता है मुझे नहीं पता, मेरी टीम में भी या किसी को नहीं पता। वो वीडियो मैंने तो नाम ही नहीं सुना भाई, मैंने पहली बार नाम सुना उसका यार। वो वीडियो गेम्स वीडियो बनाता है, वो गेमिंग का यूट्यूबर है, वो करता क्या है, वो है क्या, वो स्किट बनाता कॉमेडी, वो करता क्या है। लेकिन कुछ भी हो, मिलियन फॉलोअर्स, मिलियन फॉलोअर्स उसने अचीव कर लिए। और जो बाद में रजत दलाल ने इनका सॉर्ट आउट कराया, इस पूरा एक वीडियो बनाया इस पे, उसकी वॉचिंग 450K गई है। ठीक है, 450K बहुत बढ़िया, आज तक की वन ऑफ द हाईएस्ट इंडियन इंस्टाग्रामर की वॉचिंग है वो आज तक की। और जो सबसे बड़ी बात है कि ये जो पूरा मुद्दा चल रहा था कि भाई एक ऐसे बंदे के साथ आप जाके गले कैसे मिल लिए, जब आपका एक इतना रिलीजियस आउटरेजियस हो आप अपने रिलीजन को लेके कि भाई आप जो है कट्टर हिंदू कहते हो खुद को, उसके बाद आप गले जाके ऐसे बंदे से मिल लिए, इस बंदे के साथ हंसी खुशी खेल रहे हो, इवन आप बहुत सारी उस पूरे मुद्दे को इस पूरे मैक्सटर्न वाली कॉन्ट्रोवर्सी ने दबा दिया, तो ये बहुत गलत हुआ है। और इवन जो एलविश यादव की बात करूं तो बहुत सारी चीजें वो सिर्फ, मैं तो नाम बोलूंगा, सिर्फ राम के नाम पे ही बहुत सारी चीजें उसने करी है ना, और शायद जनता बह भी जाती है इमोशनली धर्म के नाम पे जुड़ के। आदि पुरुष ने 170 करोड़ कर लिए थे इंडिया में। हाँ, तो अब धर्म के नाम से एक्चुअली लोगों को समझ में आ गया कि हम कुछ भी कमा सकते हैं, चाहे वो फॉलोअर्स हो चाहे वो पैसे हो। उसने धीरे धीरे करके अपने सारे सट्टेबाजी प्रमोशन वाले वीडियो हटा दिए, लेकिन उससे पैसा तो ऑलरेडी बना चुका ना, वो उसका पैसा तो ऑलरेडी आ चुका ना उसके खीसे में। बट मैं एक चीज और बोलूंगा, जेनजीज के लिए खीसा इज पॉकेट। बट मैं एक और चीज बोलूंगा, ये सिर्फ ये हिंदू धर्म के साथ ही कर सकते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स, और ये हो रहा है बहुत जबरदस्त तरीके से हो रहा है, ये अकेला नहीं है एलविश यादव, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये हरकतें करते हैं। और यार इनकी फॉलोइंग देख, वो जब मैक्सटर्न के घर के बाहर गया था एलविश यादव अभी रिसेंटली रजत दलाल से मिलने के बाद, वहां पे हजारों लड़के बाहर खड़े थे। मुझे प्रॉब्लम उस चीज से, मुझे इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई बस एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या, सिस्टम के अंडर रहना पड़ेगा, ये हो रहा था उसके घर के बाहर। शायद हमारा जो YouTube चैनल अभी जो वीडियो हम डालेंगे और वो कुछ लोग देखेंगे, हो सकता है वो मुनव्वर के फैन हो। जब मुनव्वर जीत के आए थे बिग बॉस, तो मैंने डोंबिवली में देखा था बिग बॉस, और इवन वो कंगना वाला शो जो जीता था, वो यार लोग इतने ज्यादा क्राउड आ गई थी उसको देखने के लिए और उसको यू नो सेलिब्रेट करने के लिए कि भाई जीत के आया है। आई मीन मतलब सही में ऐसा लग रहा है मुझे कि यार इतना टाइम कैसे, लोगों के पास इतना टाइम कैसे, मतलब एक घंटे का शो देखना इज गुड, वोट भी कर रहे हो वो भी, वो भी नहीं मानता ये देखता है इसलिए कह रहा है गुड है, चलो ठीक है तो वोट भी कर देते हो, लेकिन आप सब कुछ काम धाम छोड़ के आप उसके गाड़ी के आगे पीछे जाके खड़े हो रहे हो, जबकि आपको आई मीन उसने कोई देश के लिए लड़ा नहीं है वो कुछ भी है ना। अरे किसी को पसंद करना एक अलग चीज है, आइडियलाइज कर रहे हैं ऐसे लोगों को यार, किसी को पसंद करना एक चीज है और किसी के लिए अंधभक्त हो जाना कि उसके आगे पीछे आप घूम रहे हो, ये बहुत ही गंदी चीज है मेरे हिसाब से, तो बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। मतलब मुनव्वर फारूकी जेल जाकर आया इनके, और तुमने बिल्कुल सही बोला, ये वही करते हैं जो छपरी ऑडियंस है ना, जो छपरी यार क्या एकदम प्लग इन कराया तूने, जिनके पास कुछ भी काम नहीं है, बस अंधों की तरह एक तरफ देखते हुए कि भाई हम तो इसको स्टार मानते हैं, ये हमारे लिए भगवान है, चाहे ये कुछ भी हगे या मुंह तक कुछ भी करे, लेकिन हम तो इसको अच्छा ही माने, आइडियलाइज कर रहे हैं ना, वहां गलत है भाई। अगर वो गलत कर रहा है तो उसको बोलो कि हाँ भाई तू गलत कर रहा है,
और एक छपरी मतलब हम ये नहीं कह रहे कि भाई जो जेंजी है जो 2000 ईयर के बाद पैदा हुए वो सारे छपरी, नहीं वो नहीं है छपरी। आप मानसिकता से हो तो एक 40 साल का आदमी भी अगर एलवी यादव को अंधभक्ति की तरह फॉलो कर रहा है ना तो वो भी छपरी है बहुत बड़ा। बिल्कुल, वो भी अगर उसके घर के बाहर जाके सिस्टम सिस्टम चिल्ला रहा है, इंस्टाग्राम पे लाइव जा रहा है, तो वो छपरी है बहुत बड़ा। और ये वीडियो हमने इसलिए नहीं बनाया, अगर ये हमें ट्रैक्शन लेना होता है इससे या हमें इससे वो चाहिए होता कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो ये हमें ऑलरेडी कर चुके होते 4-5 दिन पहले। लोग कवर कर रहे हैं, लोग अपने यूट्यूब चैनल पर रोज अपडेट दे रहे हैं बिल्कुल कि वो क्या रहा है इस कॉन्ट्रोवर्सी में, हम ये कर चुके होते हैं, हमें प्रॉब्लम इसकी नहीं है। हमें ये करना है, अब तू बाद में इल्जाम लगा रहा है, मैं तेरे को बोलने नहीं देता, एक बार खत्म कर लेते। हमें जो यहाँ करना था वो एक्चुअली हमें यूथ के लिए बात करनी थी। छपरी जो ये पूरा एक कुनबा बना हुआ है ना कि हाँ हम तो छपरी, हम तो जो मर्जी हो करेंगे, इसको डेरोगेटरी टर्म है तो उसी में लेना चाहिए। हाँ तुम छपरी हो, तुम जो सिस्टम सिस्टम चिल्ला रहे हो, अपना घर छोड़ के बैठे हुए हो, बिल्कुल पीछे लगे हो, एलिश भाई जो करेंगे वो करना है, तो भाई फिर तुम्हारा क्या जीवन है, क्या मतलब है ऐसी लाइफ का। ये मतलब तू बोल ले कुछ ना कुछ ब्लैक एंड व्हाइट तो हो सकता है ना यार, आप कुछ ना कुछ तो, अगर आप किसी के भी फैन हो तो आप एटलीस्ट तो जब वो कुछ गलत कर रहा है तो वो भी बोलना पड़ेगा ना, बोलो। और ये वीडियो बनाने का भी हमारा ऐसा कुछ मोटिव नहीं था कि हम किसी को बुरा दिखाना चाह रहे हैं, या हमारी दिखाने से भी क्या होगा, हमारे ऊपर पड़ता है यार। 620 सब्सक्राइबर में हम क्या ही बुरा दिखा रहे, हमारे दिल में आई, हमें बहुत बुरा लगा देख के जो हम देख रहे थे, हमें ये बोलना था जो हम सोच रहे थे, तो हमने वो बोला भाई देखो हम तो ये मानते हैं कि अगर आपको कोई पसंद है उसके बाद भी वो गलत करता है तो गलत बोलना पड़ेगा, तभी लगेगा कि हाँ वो एक मोहब्बत है, एक प्यार है उस बंदे से हमें, कि जो गलत करता है उसमें गलत उसको कॉल आउट करना चाहिए। और ये तो हमने सिर्फ अभी यूट्यूबर के लिए बोले, ऐसे लोग पॉलिटिक्स में भी है, ऐसे लोग फिल्म इंडस्ट्रीज में भी होंगे और बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, बिजनेस इंडस्ट्रीज में भाई कॉल आउट करना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ उनको। ऐसे यार ऐसी फैन फॉलोइंग उन लोगों की बनती है जो ऐसी छपरी हरकतें कर रहे हैं, उनकी नहीं बनती है यार। सोनू सूद ने कोविड के टाइम पे, हमने डिस्कस भी किया था अभी, सोनू सूद ने कोरोना के टाइम पे कितनी हेल्प करी, वो आदमी चाहता तो 10 फिल्में साइन कर सकता था उस टाइम पे, और मैं गारंटी देता हूँ कि वो चल जाती। एग्जैक्टली और नहीं उसने नहीं करा, उसने उस चीज का कोई फायदा नहीं उठाया, अगर वो चाहता तो इस चीज की पब्लिसिटी लेके वो पता नहीं क्या करता। बट और उस आदमी ने कोई इस पे फिल्में नहीं करी कि भाई चलो हम इसका फायदा उठा लेते, नथिंग। उस आदमी ने एक फिल्म साइन करी है एज लीड एक्टर बहुत सालों बाद हिंदी में, फिल्म का नाम है फतेह, जो पता नहीं कब आएगी, और मैं तेरे को लिख के दे सकता हूँ फ्लॉप हो गया पिक्चर, नहीं आएंगे लोग उसको देखने, इवन अगर अच्छी भी हुई तो भी नहीं आएंगे लोग उसको देखने, क्योंकि उसकी छपरी फॉलोइंग नहीं है ना। एग्जैक्टली उसने अच्छा काम किया, वो सिस्टम नहीं करता खड़ा। ये तूने बहुत सही चीज बोली, और थोड़े दिन पहले मैंने किसी का स्टोरी या कुछ पोस्ट भी देखा था कि एक्चुअल में जो वर्ल्ड है ना वो यही है कि जो बहुत ज्यादा शो ऑफ करते हैं, बहुत ज्यादा चीजें इधर उधर करते हैं, उनके फॉलोअर्स उनके अंधभक्त बहुत ज्यादा हो जाते हैं। सेम गोज यूज भी तो करना आ रहा है। एग्जैक्टली सेम गोज विद ये सोनू सूद को देख ले तू, अब मैं तो क्या नाम ही ले लेता हूँ मैं, लता मंगेशकर है ना, भारत रत्न मिला हुआ है ना, पूरी दुनिया जानती है उनको है ना, इंडिया, लेकिन हमारे देश के छपरी नहीं जानते होंगे, ठीक है। अब उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर देख लो, वो मरने से पहले तक हैंडल कर रही थी अपने इंस्टाग्राम, और आप नेहा कक्कड़ के इंस्टाग्राम फॉलोअर देख लो, कहाँ किसका नाम ले दिया तूने, मतलब एक चलो लता जी तो अब जा चुकी है इस दुनिया से, आप श्रेया घोषाल सुनिधि चौहान को देख लो यार, फॉलोअर्स देख लो, और इसके देख लो आप नेहा कक्कड़ के। मैं ये कंपटीशन नहीं कर रहा हूँ कि कौन कितना अच्छा गाता है, वो तो सबको पता है, सब जानते हैं, तो मतलब बोलना भी बहुत डेरोगेटरी हो जाएगा इन लोगों के लिए। फैन फॉलोइंग देखो क्या है, किस लेवल किसको फॉलो कर, एग्जैक्टली, तो वो फॉलोइंग गलत है, वो हमें कहीं ना कहीं लगा हमें इस वीडियो में कॉल आउट करना चाहिए, सो हमने वो किया। अब आप लोगों का इस पे क्या थॉट है, आप भी बताओ हमें। आप बहुत कम लोग हैं जो कमेंट करते हैं वीडियो देख के भी, मैं चाहता हूं कि जो लोग आप देख रहे हो, अगर आप इस मुद्दे को जानते हो, आपको लगता है कुछ भी, आपकी राय है, तो प्लीज, अगर आपको लगता है कि नहीं हमने गलत बोला है, ऐसा नहीं, ऐसा होना ही चाहिए, इनकी फॉलोइंग होनी चाहिए, तो वो भी कमेंट में लिखो, उस पर डिबेट करते हैं हम लोग, बिल्कुल, लेकिन एटलीस्ट एक डायलॉग शुरू होना चाहिए इस चीज पे यार, कि ये क्यों हो रहा है और इतना गड़बड़ कैसे होता चला जा रहा है, उस पर बात होनी बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे फील हो। तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं जाएगा आपका, 10 सेकंड जाएंगे आपको, आपका अगर कुछ थॉट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके लिखें, और अगर हमें कुछ लगता है तो उस पर रिप्लाई भी जरूर करेंगे हम। वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमेशा की तरह हम बोलते हैं कि हमें आपकी सपोर्ट की नीड है, हमने नया नया चैनल स्टार्ट किया है, तो आप जितना ज्यादा हमें सपोर्ट करें हमारे फॉलोअर्स के लिए अच्छा होगा, बिल्कुल, तब तक के लिए उतना अच्छा कंटेंट हम आपको दे पाएंगे। एग्जैक्टली, तब तक के लिए नमस्कार, जय आदाब, सत श्री अकाल, बाय बाय एंड जय श्री राम।